देखते हैं, थर्ड नंबर से देखिए, यहाँ पर देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू मैंने देते हैं एक्स का पावर 1/3, इसी फॉर्म पे है, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 1/3 एक्स का पावर -2/3, या फिर आप लिख सकते हैं 1/3 एक्स का पावर 2/3। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि 0.007 इज नियरेस्ट टू 0.008 है ना, एंड एंड 1/3 पावर ऑफ 0.008 इज 0.2। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए क्या कर लेंगे, एक्स इक्वल टू में ले लेंगे यहाँ पर 0.008, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0.007। तो ये 0.008 प्लस का डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.007, तो यहाँ से डेल्टा एक्स आ जाएगा माइनस का 0.001। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, फॉर्मूला में जानते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू में एफ एक्स प्लस का एफ डैश एफ इंटू डेल्टा एक्स, चलिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी कि 0.007, और इधर एफ एक्स का वैल्यू है यहाँ पर एक्स का पावर 1/3, और एफ डैश एक्स का 1/3 एक्स का पावर 2/3, डेल्टा एक्स का वैल्यू माइनस का 0.001। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिए, 0.008 पावर में है 1/3 प्लस, या प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, ऊपर 0.001 और नीचे हो जाएगा 3 इंटू में 0.008 का पावर 2/3। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 0.2 का इसे क्यूब कर देते हैं और इंटू में पावर में 1/3 है, अच्छा फिर माइनस 0.001/3 इंटू में यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 का पावर 3 इंटू में 2/3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए इसके बाद यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, 0.2 माइनस का 0.001, और बाई में देखिए इसका स्क्वायर 0.04, 0.12 आ जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 0.2 माइनस का यहाँ पे 0.00833, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 0.33, और भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा 0.19166667 ऐसे करके ले सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका